लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मरने वाले की आत्मा तो कब की परमात्मा के पास पहुंच चुकी है, मगर इसका फ्रेम यानी चौकटा कहां गाड़ना है? भूत बंगला यानी के सोना हवेली में। सोना हवेली? हाँ, दुनिया वाले यही सोचेंगे कि भूत बाबा ने इस बेचारे का भोग लगा लिया और फिर खून का इल्जाम हम पर कभी नहीं आएगा। आइडिया, वेरी गुड आइडिया। यस यस माय डियर बॉय। उस्ताद, बारिश आने वाली है, जल्दी चलो ना। अरे सोना हवेली यहां से बहुत नजदीक है, बस यूं पहुंचे। इसमें जो चाहिए ले लो। हाँ हाँ ले लो। अब ये सब मेरा है, अब ये सब मेरा है, मैं बहुत दौलतमंद आदमी बन जाऊं। Thank you.
कपूर, कपूर, I am not कपूर, कैंसर, if you say कैंसर, otherwise no doubt, out. अच्छी बात है कैंसर. Thank you. Now I know why you I am here. Now you can talk. देखो भाई कैंसर, मैंने तुमसे कई बार शिकायत की. अपने बेटे को संभालो, वो मेरी भोली भाली बेटी पर डोरे डाल रहा है. फर्स्ट यू सिट डाउन, सिट डाउन. नाउ मिस्टर जज, फर्स्ट थिंग फिर स्पीक. व्हाट थिंक? योर लड़की अवर लड़के को अपने लव नेट में फंसाई. माय लड़की तुम्हारे लड़के को फंसाई? यस, योर लड़की मींस योर डॉटर. आई वार्निंग सो मेनी टाइम, बट तुम नॉट लिसनिंग, नॉट लिसनिंग. आई एम सेइंग अगेन. What? You, your लड़की means butterfly. My लड़की butterfly? Yes, butterfly. First sit down. Butterfly को पिंजरे में बंद करना मांगता. Otherwise your butterfly is flying and you heart smelling, crying. Butterfly. बड़े दुख की बात है, मैं तुम्हारे पास वाजबी शिकायत लेकर आया हूँ और तुम मेरी बेटी पर गंदगी उछाल रहे हो. I am not उछालिंग गंदगी. I am telling सच्चाई means true. Otherwise, chiriya chunging khet and you crying, pastying, but you not listening. देखो कैंसर, ताली एक हाथ से नहीं बजती. अगर मेरी बेटी गलती कर रही है तो तुम्हारे बेटे का भी तो कसूर है कि नहीं? Here point, Mr. Judge, here point. Now we both duty. तुम अपने डॉटर को समझाएं, हम अपने सन का ब्रेन करेक्टिंग. ठीक है. If that son of foul, Again meet your daughter, I break his legs. अरे नहीं नहीं नहीं, टांग वांग तोड़ने की जरूरत नहीं, जरा समझा देना उसे बस. अच्छा मैं चलता हूँ कैंपर, बहुत बहुत शुक्रिया. शुक्रिया means thank you. What thank you? क्यों? It's my duty. If that son of foul come in my hand, good listening. लाओ उसे मेरे सामने. हाँ जरूर ले आऊंगा, लेकिन कहाँ है वो? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ है वो? पर मुझे क्या मालूम कहाँ है वो? तो मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ, कहाँ है वो? तेरा
यही था सनम, क्या प्यार तेरा यही था सनम, हाय अल्लाह इकरार तेरा यही था सनम, ला 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 मिली रे हमराही मेरे प्यार, अरे रोती जिंदगी भर हम यूं ही हंसते खेलते नाचते गाते अपना जीवन बिता सकेंगे जैसे कि अब। क्यों, भरोसा नहीं मुझ पर? जी 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 जी, कैसी बातें करते हो, तुम तो देवता हो देवता। हाँ, मगर जमाने से जरूर डर लगता है। जो डरते हैं ना, जमाना उन्हें और भी डराता है। मैं किसी से नहीं डरता, तुम मेरी हो, मेरी हो, सिर्फ मेरी हो। हाँ किशोर, मैं तो भगवान से ही मांगती हूँ कि हर जन्म में तुम्हारा और मेरा साथ बना रहे। डार्लिंग, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। तुम्हारी याद हमेशा मुझे सताती। आओ अब हम दोनों शादी कर लें। इतनी जल्दी भी क्या शादी की? यू नो दैट आई लव यू, मैं तुम्हारी। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे हमेशा कुछ डर सा लगा रहता है डार्लिंग। क्यों? मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है कि कोई हमारे प्यार में रुकावट बनने वाला है। नहीं, I love you. Oh, darling. राजेश, राजेश, मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी कि तुम अपने ही दोस्त की पीठ में छुरा घोंपोगे। क्या? अगर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिससे मैं प्यार करता हूँ तुम उसी को बहकाने की कोशिश कर रहे हो। प्यार तुमसे? नहीं, ये झूठ है। ये झूठ है तो पूछ लो इसे। बोलो, कह दो कि ये सब झूठ है। तुम बोलती क्यों नहीं, खामोश क्यों हो? इसकी खामोशी ये साफ साफ बताती है कि ये मुझसे प्यार करती है। इसकी खामोशी का मतलब ये भी तो हो सकता है ये मुझसे प्यार करती है। देखो राजेश, मुझे मजबूर मत करो कि मेरा हाथ तुम पर उठ जाए और बरसों की दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए। दोस्ती? लानत ऐसी दोस्ती पर। तुम दोस्त नहीं, दोस्ती के नाम पर एक धब्बा।
तुम्हें दोस्त कहते हुए मुझे शर्म आती है जलील। राजेश तब तू मेरे अरमानों से क्यों खेलती रही? पहले तेरा क्या बिगाड़ा था? क्यों मुझ पर अपने प्यार के डोरे डालती रही? बोल, जहरीली नागिन! राजेश! तेरी वजह से आज दो दोस्त दुश्मन बन गए। I hate you! मुझे तेरी सूरत से नफरत है। I hate you! I hate you! I hate you! I hate you! Go! बेवफा, तुम इतनी नीच और गिरी हुई हो ये मुझे आज मालूम पड़ा। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। खामोश, तुम्हारा ये जादू अब मुझ पर नहीं चलेगा। तुम जैसी पतिता औरत को इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। Very good rehearsal. Very well done, students. Thank you, sir. Very well done, my boys. Thank you, sir. यकीन मानो, आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है, और वो दिन दूर नहीं जब आप बड़े-बड़े कलाकार बनेंगे और कला की सेवा करेंगे. That's all, my boy. Thank you very much. Thank you, sir. All your good wishes, sir. ठीक था भारती? ठीक था? अरे fantastic यार. अरे अच्छा रंजीत बता, सब ठीक था ना? अरे यार first class, मुझे तो डर लग रहा था, तेरे को ये लगी था नहीं? नहीं यार कहाँ लगी, कुछ भी तो नहीं. My God, बता इतना emotional था. अच्छा सुन सुन, वो वहाँ turning ठीक था ना? अरे fantastic, लेकिन जब मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा. Oh, very sorry, मैं emotions में आ गई ना. मुझे कुछ पता झूठी कहीं की तुझे क्या लगा? Naughty. She's very naughty यार. छोड़ा. अरे डरा ही नहीं मैं. चलते हैं. डर गया? डर गया बिल्कुल. अच्छा चलना. ओके बाय. बे गुड. सी यू लेटर. हाय आशा, कितनी देर लगा दी कपड़े बदलने में. देखो टाइम क्या हुआ है. वहां मेरे पूछ डैड गरज रहे होंगे और बरस रहे होंगे, मगर मैंने भी अपने नौकर के साथ मिलकर ऐसा ड्रामा फिट किया है कि डैड रोज रोज चक्कर में आ जाते. जानती हो डैड मेरे सामने नहीं है ना, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इस वक्त उनका क्या मूड होगा और क्या पोजीशन होगी. क्या पोजीशन होगी? इस वक्त डैड टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाकर गला फाड़ फाड़ कर राग मेघ मल्हार गा रहे होंगे. मेरा मतलब है कि चिल्ला रहे होंगे, हरिया अबे ओ हरिया, अबे ओ हरिया के बच्चे, अबे सांप सूंघ गया तुझे, ये नौकर है कि जब देखो आओ एक भी सामने नहीं रहता है. अबे कहां मर गए सबके सब, तुम भांग पी के सो गए? हरिया ऑलरेडी माई सन भागिंग, हम आस्किंग हर रोज ये लाइट क्यों जाएं? हम क्या जाने थे मालिक? गो हेल, हम आज दैट सन आउल को नहीं छोड़ेंगे, हम उसको लेसन सिखाएंगे. तुम जाएंगे और लाइट को ठीक करेंगे. जी मालिक. सन, आज तुम हमको फूल नहीं बनाए, आज हम तुम्हारे रूम को जाएंगे, जागेंगे और तुमको पकड़ेंगे. वाह छोटे मालिक, आप बिजली बुझा देते हैं और मैं बिजली जगा देता हूँ, और इसी के मुझे 10 रुपए मिलते हैं. धन्य हो मालिक. माय सन ऑफ आउल, आज तुमको नहीं छोड़ी, नहीं छोड़ी. रोज रोज यू फूलिंग मी, बट टुडे आई एम नॉट छोड़िंग, नॉट छोड़िंग, नॉट छोड़िंग. तुम यहाँ? मैं यहाँ से वहाँ. क्या लगाई? आई से बंद करेंगे. डैडी क्या? बंद करेंगे. डैडी वेरी गुड. जोर डैमिंग रेडियो बंद करेंगे. डैडी आई से बंद करेंगे.
बंद करी, बंद करी, शांति शांति शांति, बंद बंद करी, बंद बंद करी, बंद करी, now you sitting my daddy back, sitting, sitting, son of foul, where are you going? Not going anywhere, dad. I'm sleeping and reading newspaper. Newspaper, and what is this? This dad, this is shoes, latest style. Latest style, and this is oldest style. Now I am समझिंग why बिजली रोज रोज going, you आइंग your room में घुसिंग sleeping means हमारी आंखों में धूल झोंकिंग but कान खोल कर सुनिंग अगर तुम नियत बिगाड़िंग हम भी हाल ढूंढिंग कल ही आदमी को बुलाइंग लड़की ढूंढिंग योर शादी बनाई लेकिन डैडी मेरी पढ़ाई का क्या होगा योर जरूर यू पढ़ाई नहीं डैड मीन्स योर वाइफ टीचिंग यू डैड डैड गोइंग इन हेल मुन्ना You bullying, crying, but I am not crying. तो फिर हम भी देखेंगे, Dad. I am your dirty blood. मालिक, खाना लगा दिया है. आशा बेटी को खबर दो. आशा बेटी नहीं आती. क्यों? वो कहती है, पापा से कह दो मुझे भूख नहीं है. वो खाना खा ले. मैंने जो कुछ कहा तेरे भले के लिए कहा तू नहीं जानती किशोर के बाप ने किस तरह मेरी बेइज्जती की तुझे बुरा भला कहा और बुरा भला कहा क्या कहा अरे कोई कुछ भी कहे लेकिन मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया क्या कहा किशोर के डैडी ने अरे जाने भी दे वो तो गैर था जो जी मैं उसने कह दिया लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि मैंने तेरा दिल दुखाया मैं कसूरवार हूँ अपने पापा को माफ नहीं करेगी नहीं करेगी बेटी तेरे सिवा मेरा है कौन अगर तू ही मुझसे बात नहीं करेगी तो मेरी क्या हालत होगी कौन मुझसे बातें करेगा कौन मेरे दिल बहलाएगा पापा चल खाना खा ले चल आप वहां देखिए मैं नाइटी ठीक करती हूं ठीक है चल वहां देखिए बड़ी भूख लगी रे चल जा और जा और जा बस बस अब एक बात बता क्या कभी तेरे पापा ने तेरे बगैर खाना खाया नहीं तो तूने आज कैसे सोच लिया कि खाएगा सॉरी वारी से काम नहीं चलेगा प्रॉमिस कर कि आइंदा कभी ऐसा नहीं करेगी वरना तेरी तरह मैं भी भूख हड़ताल कर दूंगा अच्छा बाबा प्रॉमिस करती हूँ आइंदा ऐसा नहीं करूँगा प्रॉमिस प्रॉमिस चल खा बहुत भूख लगी मुझे और कुछ लेंगे आप थोड़ा सा ही लूंगा आशा आशा
तब अच्छा लगी? ये हमारे जमाने में मजाल है, ये लड़की के सर से दुपट्टा गिरी, दुपट्टा तोड़ी तोड़ी, मगर ये क्या? नहीं, अगर नाचने का इतना शौक हो तो अपने घर में काहे को नहीं नाची, यहाँ आके काहे को अटकी मत की, काहे को ऐसे ऐसे करी? अरे पहले लड़कियां आंख ऊंची नहीं करी, पर आज तुम लोग आंखों से ये 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 क्या करी? तू मेरे बेटे पर अपने प्यार का जादू चलाई? अरे याद रख, जादू करनी हम तेरे मोहब्बत का ताजमहल तोड़ी, तेरे प्यार का जाल काटी, तेरे सपनों का चूरमा बनाई, तेरे जैसी लड़की को अपने घर की बहू बनाई तो हमारे खानदान की दाग नहीं कट जाई। तू हमारे यार की लड़की हुई इसलिए छोड़ी, नहीं तो ऐसी लड़की पर थूकी थूकी। किशोर, हेलो किशोर। किशोर, कल रात जो तुम्हारे डैडी ने हरकत की उससे जाहिर होता है कि तुम्हारे डैडी बेवकूफ हैं, खदे हैं, घोंचू हैं। कल रात को तुम्हारे डैडी पागल कुत्ते की तरह काट खा जाना चाहते थे। मैं कहती हूँ अपने डैडी को समझा दो, उनकी जबान पे ताला लगा दो। आई एम फेड अप ऑफ हिम। आज शाम को ठीक 4 बजे राजा फॉर्म के करीब मुलाकात होगी। बाय बाय लव। मुझ पे लानत भेजी? अरे तुझ पर लानत नहीं भेजी, उस छोकरी पर लानत भेजी जिसके हाथों में कठपुतली बनकर तुम नाची। कपूत, इसीलिए तुझे जन्म दिया था कि 2 पैसे की छोकरी मुझे गाली बोली। अच्छा डैड, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ ना उसने कहा क्या? कहा क्या? कहीं कि राजा फार्म पर 4 बजे आई, पर हम तुझे कुछ नहीं बताएं कि कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। बेटा आज हम देखेंगे कि लैला मंजू ड्रामा कैसे हुई। नहीं हुई डैड, बिल्कुल नहीं हुई। देखिए डैड, आप मुझे बिल्कुल नहीं बताइएगा कि वो कहाँ मिल रही है और कब मिल रही है। अगर डैड आपने मुझे बता भी दिया ना तो मैं उससे मिलने वाला नहीं। अरे जो लड़की मेरे पूज्य पिताजी को गालियां दे मुझे उससे क्या लेना देना? कहीं ना डैडी, मुझे उससे क्या लेना देना? बेटा आज हम क्या देखें क्या सुनी? अपना कलजुगी बेटा सतजुगी बेटा कैसे बनी? बस डैडी आपके आशीर्वाद से। बेटा भगवान तुझे सदा सुखी रखें, सदा सुखी रखें। डैड, बेटा आज आप मुझसे बहुत खुश हैं ना? ये पूछने की बात है बेटा। तो डैड, हाँ, मेरी एक बात मानेंगे? एक बात? आज तुम 10 बात बोलेंगे तो 10 बात माने। डैड बात ये है, हाँ, जो आपकी इंग्लिश है ना, हाँ, ये बहुत हाई स्टैंडर्ड की है, BA MA पढ़े हुए लोग भी नहीं समझ सकते। माई इंग्लिश बहुत ऊंची? बहुत ऊंची डैड, बहुत ऊंची। इसीलिए कहता हूँ डैड, हाँ, आपको तकलीफ तो जरूर होगी लेकिन आप हिंदी बोलने का कष्ट कीजिए ना, हम सबका कल्याण हो जाएगा। अच्छी बात है बेटा, अब इंग्लिश नहीं बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे। डैड नहीं बोलेंगे, नहीं, हाँ, नहीं बोलेंगे, हाँ, नहीं बोलेंगे। हाँ डैड। बेटा तू आज इंग्लिश छोड़ने को कह रहा है ना, तू अगर कहे आज तो मैं अपने प्राण नहीं, 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 डैड प्राण मत छोड़िए। डैड आप वर्जिश कीजिए, डैड वर्जिश कीजिए। जीता बेटा, जीता रहे मेरे श्रवण कुमार, जीता। हर बजे राजा फार्म। मैडम आई एम सॉरी। देवी जी क्षमा कीजिए ना। मैंने कहा मेम साहब माफ कीजिए ना। जाने जहां रूठा
ना करो कोई जी न सके ऐसा न करो जाने जहां रूठा ना करो कोई जी न सके ऐसा न करो दो ही पल में भूले मेरा प्यार तुम क्या जानो क्या है इंतजार नादा हो अभी समझा हो करो जाने जहां रूठा ना करो कोई जी न सके ऐसा न करो अब दो हमसे ये कथा जाने दो सनम झगड़ा न करो जाने जहां रूठा ना करो कोई जी न सके ऐसा न करो जाने जहां रूठा ना करो कोई जी न सके ऐसा न करो ऐसा न करो ऐसा न करो आशा अरे तुम उससे नाराज हो क्या मैं तुमसे कहना मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती अरे क्या कर रहे हो अन्नाराय क्या कर रहे हैं कुछ भी तो नहीं इस लड़की को तंग नहीं कर रहा उस लड़की को उस लड़की से तो मैं प्यार करता हूँ उससे मेरी शादी होने वाली है बात बात नहीं करो तुम्हें यकीन नहीं आता क्या हा? तो मैं अभी उसे बुलाता हूँ आशा 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 चली गई तुम जैसे रोमियो को बराबर करना मांगता We'll be right back.
ने तुम्हें तंग करा था ना, इसीलिए उसकी पिटाई हो रही है। पिटाई मेरी या तुम्हारी? बाबा आपको गलत फहमी हुई है, ये कोई मवाली नहीं है, ये तो मेरा होने वाला होने वाला पति है। मुझसे भूल हो गई, माफ कीजिए भाई साहब। किशोर हमेशा यूं ही घर वालों से छुप छुप के मिलते रहे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रही। हाँ आशा, लगता है हमें अपने अपने फादर को एक दूसरे का फादर इन लॉ बनाना ही पड़ेगा। मेरे पापा तो मेरे कहने पर तुम्हारे फादर इन लॉ बन जाएंगे, लेकिन तुम्हारे डैड? माय डैड? मेरे डैडी को मेरे कहने पर रेडी होना ही पड़ेगा, वरना मैं उन्हें टाटा करके रेडी हो जाऊंगा। आशा मैं चाहता हूं सिर्फ आज ही नहीं, सारी जिंदगी तुम्हारी हिफाजत करता रहूं, चाहे इसके लिए मेरी जान भी चली जाए। किशोर डार्लिंग आई लव यू, यानी कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। और फिर मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे हाय दम निकले। आधा बजे, आधा बजे, आधा बजे। हाँ तो फिर पापा से शादी की परमिशन? यस डार्लिंग, घर पहुंचते ही शादी का टॉपिक चालू। वेरी गुड। कैम्फर भाई नमस्ते, आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ, मुझे उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तुम तो जानते हो मेरी बच्ची आशा और तुम्हारा बेटा किशोर एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वो दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बनने का निश्चय कर चुके हैं। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि बच्चों की भलाई के लिए हम दोनों गले मिल जाएं और उनकी झोली खुशियों से भर दें। कैम्फर साहब मैंने कहा कि आप मेरी बच्ची को अपने घर की बहू बनाना मंजूर करेंगे या नहीं? कैम्फर भाई आप चुप क्यों हैं? इस चुप का मैं क्या मतलब समझूं, हाँ या नहीं? आप कुछ कहते नहीं का? भाई तुम मुझे हाँ ना करने का मौका दो तब तो मैं मुंह खोलूं। हाँ। भाषण पर भाषण दिए जा रहे हो और असली मतलब की बात गायब। क्या मतलब? मतलब बिल्कुल सीधा साधा है, हाथ बढ़ाओ और मुझे कोई मीठी चीज खिलाओ, शगुन दो, बधाई लो। अरे शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया क्या, अच्छा हुआ कि तुम आ गए, वरना मुझे तुम्हारे पास आना पड़ता। जज साहब तुम्हारी इकलौती बेटी है तो मेरा भी तो इकलौता बेटा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ताज्जुब की बात है। ताज्जुब की बात? आज तुम्हारी बातचीत से अंग्रेजी स्टाइल बिल्कुल गायब है। भाई लोगों का कहना है कि बुजुर्गों को कभी कभी बच्चों की भी बातें मान लेनी चाहिए। यानी? यानी अपने किशोर साहब है ना, उन्होंने कहा है कि आप अंग्रेजी बिल्कुल मत बोलिए। ओहो कैम्फर भाई समझिंग समझिंग, कैम्फर भाई समझिंग। मेरी बिल्ली और मुझी को मिलाओ। क्यों नहीं, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ेंग पकड़ेंग। मैं कहता हूँ जल्दी जाएंग और मेरी बहू को ये खुशी की खबर सुनाएं। सुनाएंग सुनाएंग ऐसे जाएंग 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 जाएंग। आज कैसे आए? कैसे आना हुआ यजमान? यजमान आप मानो या ना मानो, ये गिरधर गोपाल है बड़े काम का आदमी, हमेशा बड़ा ही काम करता है। इसमें क्या शक है गिरधर गोपाल, इसमें क्या शक है? अब की बार भी एक बड़े घर की इकलौती बेटी का रिश्ता अपने इस किशोर बाबू के लिए लाया हूं। बहुत बड़ा घर है जजमान, बहुत बड़ा घर है। लड़की का बाप चार चार फैक्ट्रियों का मालिक है, नौकर चाकर हाट हवेली मोटर गाड़ी, भगवान की दया से किसी भी चीज की कमी नहीं। और कन्या यजमान उसका पूछो ही मत, अति सुशील और सुंदर है, प्रत्यक्ष को प्रमाण ही क्या, स्वयं ही देख लीजिए ना। हाँ ये क्या यजमान, आपने तो आंखें ही बंद कर ली। मेरे गिरधर गोपाल मैं ये तस्वीर इसलिए नहीं देख सकता
क्योंकि मेरे कुलभूषण किशोर कुमार का रिश्ता जज राम प्रसाद की बेटी आशा देवी के साथ पक्का हो चुका है। जज राम प्रसाद की बेटी से? जी हाँ। जजमान, ये रिश्ता नहीं हो सकता। क्यों, तेरे बाप का राज है? जजमान, मेरा बाप तो पिछले 10 वर्षों से ऊपर वाली दुनिया में रिश्तों के जोड़ तोड़ कर रहा होगा, और गिरधर गोपाल यहाँ तोड़फोड़ करने आए। नहीं जजमान, नहीं, गिरधर गोपाल को तो इस दुनिया में सबका भला बुरा सोचना पड़ता है, इसलिए कहता हूँ कि ये रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि आशा देवी जज राम प्रसाद की अपनी बेटी नहीं है। क्या बोले? आशा राम प्रसाद की बेटी नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं है। आशा देवी राम प्रसाद की गोद ली हुई बेटी है, गोद ली हुई, ना जात का पता ना घराने का। यजमान, और सुनो, सुनने में आया है आशा के परिवार और घराने पर किसी का श्राप है, किसी भूत प्रेत की छाया है, और उस छाया और श्राप के कारण आशा का परिवार खत्म, ना जाने ये कैसे बच गई। गिरधर गोपाल, तुम ठीक बात है, तुमने हमें बचा दिया प्रभु, वरना अपने कुल का सत्यानाश हो जाता। ये शादी नहीं होगी, नहीं होगी, हल्की नहीं होगी, हल्की नहीं होगी। सुखी रहो जजमान, सुखी रहो, ये गिरधर गोपाल फिर आएगा। नारायण नारायण। तू कहाँ चली गई थी? क्या वो बेटी, तू रो क्यों रही? मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी माँ कौन, मेरा बाप कौन। ये तुझसे किसने कह दिया कि मैं तेरा बाप नहीं? बेटी, मैं ही तेरा बाप हूँ, तू मेरी बेटी है। क्या देख रही इस तरह मेरी तरफ? जब से होश संभाला यही समझती रही कि आप ही मेरे बाप हैं, लेकिन आज मुझे पता चल गया। क्या क्या पता चल गया तुझे? यही कि आप मेरे बाप नहीं हैं। बेटी सुन, इस सच है कि आप मुझे अपनी बेटी जैसा समझा, लेकिन आज उसी के प्यार की कसम खाकर आपसे पूछती हूँ कि मेरा बाप कौन है, मेरा खानदान क्या है, मेरे साथ क्या है, बताओ ना पापा, मुझे कुछ नहीं बोलना। बेटी बेटी, ये सच है बेटी, मैं तेरा बाप नहीं हूँ, ना तू मेरी बेटी है, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहता था कि राज कभी भी तुझ पर खुले। आज तूने जिद की है, कसम दी है, इसलिए सच बात कह देता हूं। आज से 15 साल पहले। कौन है? मैं हूं जमुना राम। लाला जी, आप इतनी रात गए, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? आज अंदर आई? नहीं 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 राम प्रसाद, वक्त बहुत कम है और कहानी बहुत लंबी है, मैं सुना नहीं पाऊंगा। मैं इस वक्त अपनी अपनी बच्ची आशा की जिंदगी के लिए यहाँ आया हूँ। इस मासूम को मौत के कुएं से निकालने यहाँ तक तो ले आया, लेकिन अब इसकी जान तुम्हारे हाथ में है। वचन दो दोस्त, वचन दो कि इस मेरे टिमटिमाते हुए चिराग को हमेशा और इसे कभी काशीपुर गांव या सोना हवेली नहीं जाने दोगे। वचन दो, वचन दो। मैं वचन देता हूँ, मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा, लेकिन इस बच्ची के ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा। लेकिन बताइए तो क्या हुआ? राम प्रसाद, हमारे खानदान पे एक श्राप है। श्राप? एक बद्दुआ है। एक बात मैंने आज तक नहीं बताई थी, लेकिन मैं बता देता हूँ। बताइए राजा जी। मेरे अपने घर में मेरा बेटी, उसी बद्दुआ श्राप से तुझे बचा रखने के लिए मैंने अपने होश सी लिए और उस राज को हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर लिया। ये हो सकता है बेटी कि तुझे मुझसे अपने सगे बाप का सब प्यार नहीं मिला हो, लेकिन यकीन मान मेरी बेटी, जब से मैंने तुझे अपने सीने से लगाया है, तेरी खुशी को अपनी खुशी समझा, तेरे गम को अपना गम। बेटी फिक्र न कर बेटी, मैं किशोर के बाप से मिलता हूँ। राम प्रसाद, तुम किसी ऐसे घर का दरवाजा खटखटाओ जिस घर के लोग जिंदगी से तंग आ चुके हो और खुदकुशी करने का बहाना ढूंढ रहे हो, लेकिन मुझे अभी जिंदा रहना है और इस घर को हरा भरा देखना है।
जरा फिर से सोचो कैंपर, उस बच्ची ने सबसे पहले मेरे घर में कदम रखा था। अगर उस पर कोई श्राप या बदुआ होती तो मेरा घर सबसे पहले बर्बाद ना हुआ होता। बाबा तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी बेटी हो तुम्हारा घर, लेकिन वो इस घर की बहू नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। कैंपर मुझ पर न सही, मेरी बच्ची पर तो रहम खाओ। अगर तुम इस घर की बहू नहीं बनाओगे तो रो के मर जाएगी बेचारी। राम प्रसाद, होगा वही जो उसे मंजूर होगा। अब तुम जा सकते, जा सकते हो। तो यही यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? कितनी बार कहूं कि ये मेरा आखिरी फैसला है। बच्ची को क्या कहूं? पापा तुम्हारी हार हुई। ऐसा लगता है आशा को मालूम हो गया कि मैं जिंदगी की बाजी हार चुका हूं। लेकिन कैसे पूछूं पापा, कैसे पूछूं? कैसे और किस मुंह से बताऊं बेटी, मेरी हसरतों का खून हो गया, मेरे अरमान कुचल दिए गए। मैंने जिंदगी में बहुत बड़ी शिकस्त खाई। आशा, दुनिया की कोई भी ताकत हमें एक होने से रोक नहीं सकती। लेकिन किशोर मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम फिक्र मत करो, मैंने सारा प्लान बना लिया है, अब मुझे सिर्फ तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बोलो क्या करना है। हमें चोरी चोरी यहाँ से भाग जाना होगा। किशोर, पगली हमेशा के लिए नहीं, चंद दिनों के लिए, ताकि हम काशीपुर गाँव सोना हवेली जा सके और जो दोष तुम पर और तुम्हारे खानदान पर लगाया गया है उसकी तह तक पहुंच पाए। बोलो क्या तुम ये कुर्बानी दे सकती हो, अपने पापा से कुछ दिनों के लिए दूर रह सकती हो? क्यों नहीं किशोर, जब तुम मेरे लिए इतने दुख सह सकते हो तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? चलो। बाबा जरे बैरियर उठा दीजिए ना, हमें आगे जाना है इस वक्त। हाँ क्यों? बेटा यहाँ से जंगल शुरू होता है, बड़ा ही खतरनाक रास्ता है, शेर चीता भालू और कितने ही खूंखार जानवर हैं यहाँ। अभी अभी पता चला हाथियों का एक झुंड इस सड़क पे आया और सड़क के दोनों तरफ के दरख्त और झाड़ियाँ तोड़ फोड़ गया। बेटा इस वक्त सफर करना खतरे से खाली नहीं, रात यहीं आराम करो, सुबह होते ही चले जाना। अच्छा बाबा। बेटा हा? मगर जाना कहाँ है? काशीपुर गांव। काशीपुर गांव? किसके घर? सोना हवेली। है? सोना हवेली? क्या बात है बेटा, सोना हवेली पे किसी भूत प्रेत की छाया है। बाबा भूत प्रेत तो हमारे सगे संबंधी हैं, यानी कि हमारे रिश्तेदार हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे जिन भूतों के पांव उल्टे होते हैं मगर इनके तो सीधे हैं। हो सकता है ये नए जमाने के भूत प्रेत हो। बाबा क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। राम राम। राम राम। राम राम। किशोर वो बाबा इतना घबरा क्यों रहा था? ऐसे ही आशा, सोना हवेली का नाम सुनते ही कुछ घबरा सके। आशा लगता है रात यहीं गुजारनी पड़ेगी।
टॉप ऊपर कर ही लूं। किशोर वो देखो वो रोशनी कैसी है? रोशनी तो है ना। बाबा से पूछता हूँ कि वहां क्या है। बाबा बाबा उधर जो रोशनी नजर आ रही है क्या कोई गांव है? बेटा वहाँ खाना बदोशों में डेरा डाल रखा है। आज शायद कोई नाच गाने का प्रोग्राम है उधर। नाच गाने का प्रोग्राम? बाबा क्या हम लोग वहाँ जा सकते हैं? हाँ, हाँ, चले वहाँ। भक्ति गुजर जाएगा और दिल भी बहल जाएगा। चल
मजा आ गया नहीं? आप लोग बहुत अच्छा नाचते गाते हैं। अच्छा तो हम लोग चले चलो। राम प्रसाद चैंपर, मैं तुमसे ही मिलने आया हूं। अच्छा वो तुम आ गए, मैं भी तुमसे मिलने जा रहा था। तुम्हारे हाथ में भी लेटा? तुम्हारे हाथ में भी? अरे ये चिट्ठी मेरी लड़की ने लिखी है। लड़की के पिताजी, ये चिट्ठी मेरे लड़के ने लिखी। अरे पर मेरी लड़की घर से गायब हो गई है। और मेरा लड़का भी गायब है। अच्छा क्या लिखा, क्या लिखा? पहले तुम पढ़ो कि तुम्हारी लड़की ने क्या लिखा। सुनो पूज्य पापा, मैं नहीं चाहती थी कि आपसे दूर जाऊं, मगर हालात को सामने रखते हुए मेरे लिए दूसरा और कोई रास्ता न था। पापा मैं किसी जरूरी काम के लिए आपसे दूर जा रही हूँ, काम होते ही लौट आऊंगी, घबराइएगा नहीं आपको मेरी कसम, और ना ही मेरे जाने की किसी को खबर कीजिएगा। आपकी अपनी बेटी आशा। अब मेरे अपने बेटे ने क्या लिखा है वो सुन। मेरे बाप तुम रामराज में औरत के रूप में थे, यानी कैकेयी के रूप में थे। कृष्ण भगवान जब पधारे तो तुमने कंस का रूप धारण किया। भक्त प्रहलाद जब पैदा हुए तो तुम हिरण्यकश्यप के रूप में प्रकट हुए, और इस घोर कलयुग में मेरे बाप बनकर आए हो। मेरे बाप देखो फादर, अपने ये ओछे हथियार फेंक दो, वरना पछताओगे पछताओगे। आपका फर्जंद देखा किशोर कुमार। मैं लुट गया हूं जज साहब, मेरे लिए कुछ सोचो। क्या सोचो क्या फर्जी, जो कुछ हुआ तुम्हारी हठ धर्मी और जिद का नतीजा है। जज साहब मुझे थप्पड़ मारो, मुझे जूते से मारो, मेरे मुंह पर थूको, लेकिन मेरा किशोर मुझे वापस दिला दो। मैं क्या कहूं, मैं भी तो बेटी का बाप हूं, मैंने सीने पर पत्थर रख लिया है। जज साहब मेरे सीने पर पाल गया दो, लेकिन मेरा किशोर वापस बुला दो। काश तुमने मेरी बात मान ली होती कि मनोज घड़ी तो कभी नहीं आती। जज साहब बुरा उस गिरधर गोपाल का जिसने मेरी बर्बादी की, मुझे उल्टे रास्ते पर चलाया। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि जो ही किशोर वापस आएगा मैं आशा बेटी से उसकी शादी कर दूंगा। रखो कैंपर, मेरा ख्याल है बच्चे कभी गलत कदम नहीं उठाएंगे, बड़े समझदार हैं, वो जरूर वापस आ जाएंगे। भगवान करे वापस आ जाए। किशोर जरा टॉप चढ़ा दो। क्यों क्या बात है? ठंडी लग रही है। ओके चल यार। वो लड़की डांस बहुत अच्छा करती थी। फैंटास्टिक या? हाँ दैट्स गुड। आशा रात रंगीन हो, मौसम हसीन हो और पहलू में नाजनीन हो, तो बताओ ऐसे दिल फरे माहौल में दो जमा दिल क्या करेंगे? यही एक दूसरे में खो जाएंगे। You're right. तो आओ ना, हम दोनों भी एक दूसरे में खो जाएं। ना, 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 क्या? किशोर हाँ? अगर सब कुछ अभी तो फिर शादी की बात क्या? क्या ये तो ठीक है। और एक बात और सुन लो। हाँ प्यार करने वाले भावनाओं की धारा में बह तो जाते हैं, लेकिन होता यही है, मारी जाती है बेचारी नारी। आदमी का क्या, वो तो फिर भी रहा ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारी, है ना? बोलो। ये भी ठीक है। आई एम राइट? यू आर राइट। देन गुड नाइट। व्हाट्स सो गुड अबाउट द नाइट? एनी हाउ गुड नाइट। ओ गॉड आउच। किशोर कहाँ गए थे? ये क्या है? डार्लिंग मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि उन्होंने सीने पे पत्थर रख लिया, मगर आज तक मैंने किसी माई के लाल को सीने पे पत्थर रखे हुए नहीं देखा। आज मैं बता दूंगा कि सीने पे पत्थर कैसे रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? ऐसे। गुड नाइट। गुड नाइट।
प्यारे देख रहे हो? अबे अपन उसी को तो देख रहा है, तेरे थोपड़े को थोड़े ही। भगवान कसम क्या चीज है प्यारे, इसे पटाओ तो माने। साले अगर अपन ने उसको पटा लिया तो तुम अपन को क्या देगा? अरे लेने देने को गोली मारो प्यारे, अपन दोनों इस पे ट्राई मारता है, देखता पहला चक्कर किसका चलता। अबे सेवू का और किसका। तो ठीक है माल तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन अपन ट्राई जरूर मारे। मार साले मार। अच्छा गाड़ी टर्न करो। अरे ओ दरिया का तेरा पेट के खातिर। तू तो जानती है ना माँ, आजकल हर चीज का भाव ऊपर ही ऊपर जा रहा है और अपनी आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा, और गुजारे के लिए माँ कुछ ना कुछ जरिया तो चाहिए, और अपना तो बस एक ही जरिया है, वो भी तू, इसीलिए आ गया। बकवास बंद कर और चुपचाप चला जाए यहाँ से, कुत्ते कमीने, वरना धक्के देकर बाहर निकालूंगी। ना 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 माँ, धक्के वक्के देने का कष्ट क्यों करती हो, कुत्ते को टुकड़ा डाल दो, कुत्ता खुद ब खुद चला जाएगा। ना डालो तो भौंकेगा। भौंकेगा? अरे निर्लज्ज जरा तो शर्म कर, एक विधवा माँ के सर पर बोझ बना बैठा है, अब मेरे बचे खुचे टुकड़े भी छीनना चाहता है। छीनते तो बाहर वाले हैं माँ, मुझे क्या जरूरत, मैं तेरा अपना बेटा हूँ। अरे इसलिए तुझसे कहता हूँ कि तू अपनी बची कुची जमीन जायदाद अपने बेटे के नाम पे लिखवा दे, वरना तेरी आंख बंद होती दुनिया वाले अपने नाम पे लिखवा लेंगे। लिखवा लेने दे, बेशक लिखवा लेने दे, मगर तुझे कुछ नहीं दूंगी, कुछ नहीं दूंगी। चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से। ठीक है माँ ठीक है, अभी तुम्हारा दिमाग गर्म है, मैं बाद में आऊंगा। गुड बाय। आशा मैं वहां से सोना हवेली का पता पूछ कर आता हूं। हाय
कितनी खूबसूरत है, वाह वाह कितनी चिकनी है, हाय क्या रंग है, क्या ढंग, क्या ढांचा। गाड़ी, मैं तो गाड़ी की बात कर रहा था, हाथ रखो हाथ फिसल जाता है, है ना चिकनी। ए लाजो, तू 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 ये क्या कर रही है? क्यों, मेरे आने से बड़ी तकलीफ हो रही है तुझे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। चल चल झूठा कहीं का, मगर एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर तूने मेरे सिवा किसी और लड़की की तरफ यू घूर घूर कर देखा ना, तो जान ले मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मैं लड़की की तरफ कहाँ देख रहा था, मैं तो बस यूं ही लड़की के कपड़ों की तरफ देख रहा था। अरे एक बार देख लो तो बस देखते ही रह जाओ। और एक तू है वही पुराना घिसा पिता घगरा चोली। सेबू मुझे तो तेरी नियत में कुछ खराबी नजर आती है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। चल चल फूट यहाँ से। अरे फूट, अरे फूट चल। ठहरो। ए थाली के बैगनों, तुम यहाँ क्या मस्ती कर रहे हो? चलो अपना काम धंधा चालू करो, चलो दफा हो जाओ। साले बड़े चालू हैं, लड़की देखते ही उस पर लट्टू हो जाते हैं, मगर मैं भी साली कुछ कम नहीं हूँ। ऐसा कांटा दबाती हूँ, ऐसा कांटा दबाती हूँ कि फिर से रास्ते पर आ जाते हैं। अच्छा बहन, राम राम। अरे अरे आपने अपने बारे में तो कुछ बताया नहीं मुझे। जरा जल्दी में हूँ, घर में माँ इंतजार कर रही होगी, फिर बताऊंगी। अच्छा मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि सोनावेली में जाना खतरे से खाली नहीं, आप सिर्फ मुझे सोनावेली का रास्ता बता दीजिए। मैं पूछता हूँ क्यों तुम अपनी और अपनी होने वाली पत्नी की जिंदगी खतरे में डाल रहे हो? शायद तुम सोच रहे हो मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ। नहीं, मैं जो कुछ कह रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। यूं तो आज तक सोनावेली में जो भी गया खत्म कर दिया गया, बस ये खुशकिस्मत इंसान है जो इस खूंखार हवेली से वापस आया, उसकी भी हालत तुम अपनी आंखों से देख सकते हो। चंद्रो, देख लिया तुमने इस खुशकिस्मत के चेहरे पर बदकिस्मती किस तरह फूट फूट कर रो रही है, जाओ। मगर ये सब कुछ हुआ कैसे? जो बेचारा खुद इस हमले का शिकार हुआ वो नहीं बता सका, मैं क्या बताऊं। बस मैं इतना जानता हूं कि आधी रात के बाद एक धीमी धीमी रोशनी सोनावेली की तरफ जाती है और वहां जाकर गायब हो जाती है, उसके बाद मालूम नहीं क्या होता है। बफरदार, मैं तुमसे फिर कहूंगा कि तुम जिद ना करो, वापस चले जाओ। माफ कीजिए, मैं यहां वापस जाने के लिए नहीं आया, बराए मेहरबानी आप मुझे सोनावेली का रास्ता बता दीजिए। नहीं हरगिज नहीं, मैं तुम्हें सोनावेली का रास्ता नहीं बताऊंगा, ना ही गांव का कोई दूसरा आदमी बताएगा। कोई नहीं चाहता कि कोई किसी की मौत का कारण बने और खामखा ये पाप का बोझ अपने सर पे ले। किशोर, सोनावेली का कुछ पता चला? नहीं आशा, वो लोग पता बताने के लिए तैयार नहीं है। ए साहब, इधर के लोग सब डरपोक है, मतलब परस्त है, खुदगर्ज है, अपन ऐसा नहीं है। मौत से खेलना अपना धर्म है, अपन लेके चलेगा आपको सोनावेली। शुक्रिया। अरे शुक्रिया क्या साहब, ऐसे मेहमानों की सेवा करने का मौका ऊपर वाला बड़ी मुश्किल से देता है। अपन के बारे में बताने भूल गए साहब, अपन का नाम सेवक सिंह है, जनसेवा और जन कल्याण अपन का प्रथम धर्म है। अरे साहब हम तो यही बकबक किए जा रहा है, आपका नाम क्या है? किशोर। बड़ा प्यारा नाम है साहब। ए साहब इनका नाम क्या है? आशा। आशा पारे? नहीं नहीं ये वो आशा नहीं है। अरे साहब जब से हमने फिल्म कारवा देखा ना, अपन को हर लड़की आशा पारे नजर आता है। बीड़ी देंगे साहब? मैं नहीं पीता। तब चले साहब। चलो। चलिए। अरे साहब एकदम चिकनी गाड़ी है तो बिल्कुल जालिम। साहब साहब वो बिल्कुल सीधा 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 चलिए सीधा। साहब साहब रोकिए रोकिए रोकिए, वो रही आपकी सोनावेली। चलो
सॉरी साहब, सॉरी 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 साहब, इधर से, इधर से, अपन रास्ता भूल गया। बस रोकिए साहब, रोकिए रोकिए साहब, रोकिए। लो आ गई आपकी सोलह हवेली। लेकिन गाड़ी के लिए कौन सा रास्ता है? गाड़ी नहीं साहब, वहां गाड़ी वाले को नहीं आता, वहां पैदल जाना पड़ता साहब, ये इस रास्ते से, इधर से। ठीक है चलो। चलिए साहब। आई मैम साहब, अभी आइए, आइए साहब, समझ गए इस रास्ते बहुत कम, अब बच के साहब, आइए आइए, इधर से बहुत कम आता साहब। आई मैम साहब, हाथ पकड़िए मेरा, आइए, अरे पकड़िए ना, आइए। तो नहीं गए आप? नहीं बिल्कुल नहीं, अपन तो रोज आते इधर से। अच्छा साहब, अपन चलता है। शुक्रिया सेवक सिंह। नहीं साहब, फिर शर्मिंदा करते हैं, फिर मिलेंगे, भूलेंगे तो नहीं आप? कभी ऐसा हो सकता है? अच्छा साहब साहब, अरे अच्छा भला रास्ता तो है गाड़ी आने के लिए, फिर उसने हमारी इतनी लेफ्ट हैंड क्यों करवाई? मुझे थोड़ा क्रैक लगता है वो। लगता है। ऐसा लगता है बरसों से इस घर में कोई नहीं आया। हाँ, काफी भयानक वातावरण है। अभी से घबराहट महसूस होने लगी है? नहीं नहीं। तो चलिए मेम साहब, जरा ऊपर का भी वातावरण देखिए, क्या ख्याल? क्यों नहीं, चलो। नशा आ गया, बड़े आए नशा आ गया, मेरी तो जान निकल गई थी। इससे ये तो साबित हो गया मेम साहब कि आप बिल्कुल नहीं घबराते। बड़े वो हो तो हूँ। चलिए पहले आप, लेडीज फर्स्ट। ओके। क्या आप भी लेडीज फर्स्ट?
सोना हवेली की रोशनी इस घर की असली मालकिन कौन आशा आशा आपको इसका नाम कैसे मालूम बेटी तुमने पहचाना मुझे नहीं तो देखो गौर से देखो भी नहीं पहचाना बेटी बचपन में तुझे मैंने अपने कलेजे से लगा रखा था लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि तेरी जान खतरे में है तो मैंने कलेजे पर पत्थर रखकर तुझे यहां से दूर भिजवा दिया बेटी रिश्ते से मैं तेरी मौसी लगती हूं मौसी हां बेटी और मौसी के नाते से तेरे ही भले के लिए तुझे एक बात कहती हूं और वो ये कि इस हवेली में एक पल भी नहीं ठहरना चली जा यहां से क्यों इसलिए कली जो खिल रही है कहीं मुरझा ना जाए ऐसी कौन सी बात है इस हवेली में बेटा मैं सिर्फ इतना जानती हूं इस हवेली पे किसी का शाप इसलिए कहती हूं मेरी बेटी को लेकर अभी और इसी वक्त यहां से चले जाओ वरना भगवान ना करे कुछ नहीं होगा मां जी आप जाइए और आराम कीजिए मैं फिर कहती हूं यहां से चले जाओ यहां खतरा है
इस हवेली में खतरा है, इस हवेली में खतरा है, इस हवेली में खतरा है। आशा, हाँ? तुम्हें कुछ याद है क्या, बचपन में तुमने उसे कहीं देखा था? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। जाने फिर हमारे गले क्यों पड़ रही थी, तुमसे इतना प्यार क्यों जता रही थी? मुझे खुद नहीं मालूम, माई डोंट नो। खैर जाने, अगर इजाजत हो तो नीचे से गाड़ी ले आऊं। हाँ हाँ ले आओ, लेकिन आती बार मेरे लिए कुछ खाने का सामान ले आना, बहुत भूख लगी, जब तक मैं कुछ सफाई कर लूँ। देखो जल्दी आना, मैं अकेली हूँ यहाँ, मुझे डर लग रहा है। अच्छा अच्छा, जल्दी आओगे ना? हाँ लड़की कहाँ है? सोना हवेली में। तुम कैसे आदमी हो, मालिक ने तुम्हें रोका था कि सोना हवेली मत जाओ, मगर तुम नहीं माने। लेकिन ये क्या कर दिया तुमने, अकेली लड़की को सोना हवेली में छोड़कर तुम यहाँ आ गए? जानते नहीं इसका नतीजा क्या हो सकता है, मौत, भयानक मौत, या फिर मेरी तरह उस मासूम लड़की पे खौफनाक हमला। जाओ, जल्दी जाओ। जाता हूं।
बता कमीने आशा कहाँ है? मुझे कुछ मालूम नहीं। तुझे कुछ मालूम है? बता तू यहाँ क्यों आया था? मैं वो मेम साहब। कहाँ है मेम साहब? मैं बाहर था, मेम साहब अंदर था। मैं अंदर गया, मेम साहब बाहर गया। बाहर चले गए? ज्यादा हो जाए यहां से। Thank you.
क्या सेवा की है प्यारे घर आए मेहमान की, पूरा अंजर पंजर हिला के रख दिया। जवाब नहीं तुम्हारा और तेरा भी जवाब नहीं। गोरी गोरी शहर की छोरी, पहले लेगी दिल हमारा चोरी चोरी, फिर करवा दी ना उनसे पिटवाई, जो करते हैं सीना चोरी। कोई बात नहीं, हम भी बड़े बेशर्म आदमी हैं, और तू तो जानती है जिसने की शर्म फूटे उसके करम। ये अपना पांच ये पांच मेरा भी है। अरे बेटू ये क्या हो गया तुझे? अरे वो अपना वो शेर। अरे छोड़ इसे, तू अपने पत्ते खेल, कहीं से दंगा फसाद करके आया होगा, ये अपने लिए कोई नया थोड़ी ही है। ना जो हमारे आदमी कोई मारे तो हम चुप बैठेंगे? नहीं बेटू बैठ जा, बैठ जा पर। अब बोल किसने मारा तुझे? उसी शहरी बाबू ने जिसको तूने सोना हवेली का रास्ता बताया था, उसने मुझे मार मार के सीधा इधर का रास्ता बता दिया प्यारे, और मैं तेरे पास चला आया हूँ। घबरा मत, मौका आने पर मुझे ठीक कर देंगे। ले चल दारू पे, चल चलने को तेरी चाल है। ले शो कर दे यार। क्या तेरे पास? दो रानियां। दो के क्या है बे? एक मिनट Thank you.
कर नहीं जा सकती। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जो तूने आज तक सेवू का प्यार देखा है, गुस्सा नहीं, जानती है सेवू अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करता। तूने आज मेरा बड़ा बनाया खेत चौपट कर दिया। ना तू शहरी बाबू के पास जाती, ना मैं रास्ते में आता। मैं तुझे प्यार करती हूँ, तुझे अपना सब कुछ समझती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तू मुझे छोड़कर किसी और लड़की को। तू जानती है मैं हर पुरानी चीज से नफरत करता हूँ, और आज तू भी मेरे लिए पुरानी हो चुकी है, समझे? नहीं, अरे मैं लड़की की तरफ कहा, मैं तो बस यूं ही लड़की के कपड़ों की तरफ देख रहा था। हाय, एक बार देख लो तो बस देखते ही रह जाओ। और एक तू है, वही पुराना घिसा पिटा घगरा चोली। सेवू, तुझे जिस्म से नहीं भड़कीले कपड़ों से प्यार है। इन्हें पहनकर मैं तेरा दिल फिर से जीत लूंगी।
हमें यहां देखकर आपको ताज्जुब तो जरूर हुआ होगा। ताज्जुब नहीं तो। लेकिन कल रात आपका सोना हवेली में आना मेरे लिए ताज्जुब की बात थी। क्या मतलब? मतलब ये कि कल रात सोना हवेली में किसी का खून हो गया। खून? घबराइए नहीं, मरने वाले की लाश वहां नहीं मिली। खून हो जाने के चंद मिनट बाद खूनी ने लाश को भी ठिकाने लगा दी। कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूं कि खून किसी और ने नहीं बल्कि आपने किया है। मैंने? जी हाँ आपने, और उस लाश को भी आप ही ने ठिकाने लगाया है। नहीं, ये झूठ है। चिल्लाइए नहीं, हर झूठा आदमी आप ही की तरह चिल्लाता है और सटपटाता है। मेरे पास ठोस सबूत मौजूद है और वो है आपका लॉकेट। लॉकेट मेरे गले में। अच्छा, तो आप लाश की तरह लॉकेट का भी सफाया कर चुकी हैं। तुम्हें वहम हो गया है, और वहम का कोई इलाज नहीं। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम आशा को लेकर यहां से चले जाओ। कान खोल कर सुन लीजिए, मैं आपकी ये चाल कभी कामयाब नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। चलो आशा। आशा, कुछ समझ में नहीं आता। रात को अपने हाथों से वो लॉकेट मैंने अपनी जेब में रखा था, वो बुढ़िया उसे उड़ाकर कैसे ले गई? मुझे यकीन है कि ये खून उस बुढ़िया ने ही किया है। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। और मुश्किल से मैं एक मिनट के लिए हवेली में आया था लैंप लेने के लिए, और वहां गैराज में से लाश गायब हो गई। आशा, चलो पहले तुम्हें सोना हवेली छोड़ा। पास ही तो सोना हवेली है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। किशोर तुम उसके पास जाओ, पता नहीं इसकी क्या हालत होगी। जल्दी जाओ प्लीज। कहाँ है तुम्हारे पति? वो रहे। शाबाश मीना, आज तूने कमाल कर दिया, अब तुम जा सकती हो। बेटा उस दिन तो तूने मार मार के मेरे थोबड़े को सिंगल से डबल बना दिया था, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरा पार्सल बनाकर सीधा ऊपर पार्सल कर दूंगा, समझे? बारे शेर बब्बर, बेटा आज तेरी बोटी बोटी काट के कुत्तों को खिला दी जाएगी। गाड़ी लाओ और बांधो इसे, ले जाओ।
हम तो तुम्हारे पुराने आशिक हैं मेम साहब, जहां तुम वहां हम। किसी मुझे छूना नहीं। हवेली की बेजान दीवारें अपने मुझसे नहीं बचा सकती, फिर किसे अपनी मदद के लिए बुला रही हो? उस शहरी बाबू किशोर को, अरे पता नहीं अब तो उस बेचारे की क्या हालत हो।
लगाया तो किस हालत में? हम मेरे बेटे जंगली जानवर मेरे बेटे के शरीर पर बड़े निशान बता रहे कि तूने मेरे बेटे को काट खाया। मैंने? नहीं बेटा, आपकी बात मेरी कुछ समझ भी नहीं आ रही। समझा दूंगी मैं, आज तो समझा दूंगी। कई पीढ़ियों से इस घर में कोई ना कोई पागल बच्चा पैदा जरूर होता। यही इस खानदान की बदकिस्मती थी, यही शाप था, यही बददुआ थी इस घराने पे। मगर इस पागल और इस खानदान के पहले पागल बच्चों में ये फर्क था, वो बच्चे अपने आप को डोसते, काटते और खत्म हो जाते। कभी कभार दवा दारू, रोक टोक, प्यार मोहब्बत, मारपीट या फिर वक्त के साथ साथ खुद ब खुद ठीक भी हो जाते। मगर ये पागल खून ही था। जब भी इस पे पागलपन का दौरा पड़ता तो भगवान ही इसका मालिक होता। ओम अरहम, ओम अरहम। मुझसे डरता था और वो इसलिए कि मैं ही इसे खिलाती पिलाती और इसका पालन पोषण करती। मगर दिन ब दिन इसकी हालत बिगड़ती गई। खून खून बस खून, इंसानों का खून ही इसकी खुराक बन चुकी थी। इसीलिए मैं इसके हाथ पांव बांध के रखती थी। और मैं ये भी नहीं चाहती थी जिस जानवर को मैंने बरसों से पाला है दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा है और उसकी हिफाजत के लिए मैंने अपनी ममता का गला घोट दिया, उसका राज उसकी बहन से भी खुले। मेरा भाई है। हाँ, वो तेरा भाई है। जो बच्चा आशा वहां खतरा है, मैं जाता हूं उसे बचाने के लिए। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी।